ग्रुप मेंबर्स कैसे हैं आप लोग, ये मेरा पहला वीडियो है ग्रुप के लिए, तो एकदम डिसिप्लिन मेंटेन करना। और सुष्मिता आपके लिए मैं खास वीडियो बना रहा हूँ, और मैं हफ्ते में आप लोगों को पर्सनल एक दो वीडियो खाली ग्रुप के लिए भेज दूंगा, कैसे काम करना है, कैसे पैसे कमाना है फाइनेंस में, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो सुष्मिता फाइनेंस कंपनी का जो बैक ऑफिस में है, सबसे पहले आप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फाइनेंस कंपनी में जॉब के लिए या किसी भी कंपनी में जॉब के लिए प्राइवेट फर्म में एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसमें मैथ्स और इंग्लिश के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, चार ऑप्शन होते हैं इसके, मैथ्स के भी रहेंगे, जनरल नॉलेज के भी रहेंगे। ये आप वीडियो देख लो यूट्यूब में इमरान सर के, एप्टीट्यूड टेस्ट बाय इमरान सर, ठीक है। ये वीडियो आप कम से कम 2-3 दिन, 4 अगस्त को आपका मेरे ख्याल से इंटरव्यू है श्रीराम में, तो आप 2-3 दिन एप्टीट्यूड टेस्ट देख लो। 30 मार्क का है, 20 मार्क कम से कम लेके आना है आपको, 18-20-17 भी चल जाएगा, लेकिन मैं अब आगे जो बताऊंगा, लेकिन 15 से काम नहीं चलेगा, 15 पासिंग मार्क है, 15 से काम नहीं चलेगा। तो देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट फर्स्ट, ठीक है। ड्रेसअप आप जैसे सिंपल पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ड्रेसअप में जाना, ठीक है। फर्स्ट बात उनको लगना चाहिए, हर कंपनी जॉब में जुटती है नीडेड आर्मी, उनको लगना चाहिए कि आप जॉब के, आपको नीड है, आपको जॉब की ज़रूरत है, तभी वो आपको जॉब देगा। क्योंकि बहुत से लोग फाइनल जॉब के लिए आएंगे, सबको तो जॉब में दे नहीं सकता ना, तो छाट के लेता है वो, इसलिए कि जिनको ज़रूरत है। क्योंकि एक बार इंटरव्यू, हर कंपनी चाहती है कि मैं साल में 10 बार इंटरव्यू नहीं कराऊँ, मैं साल में 1 बार इंटरव्यू कराऊँ और मुझे ऐसे लोग मिले जो ज़िंदगी भर काम करें। तो इंटरव्यू में ऐसा बताना कि मैं सर एक ही कंपनी में ही काम करना चाहती हूँ और श्रीराम फाइनेंस में ही करना चाहती हूँ, क्योंकि श्रीराम फाइनेंस आज इतना बड़ा कंपनी है कि एज ए गवर्नमेंट जॉब में जितनी फैसिलिटी, जितनी सैलरी मिलती है, वो आज श्रीराम फाइनेंस या सभी फाइनेंस कंपनी दे रही है। बहुत फ्यूचर ग्रोथ है, दुनिया में सब काम रुक जाएंगे लेकिन फाइनेंस का काम नहीं रुकेगा, क्योंकि लोगों को पैसे की आवश्यकता ही पड़ेगी, ब्याज का काम कभी रुकता नहीं है। फाइनेंस से आपको पूछ सकता है फाइनेंस का मतलब क्या समझती हैं आप, ठीक है। तो फाइनेंस का मतलब टोटल प्रॉफिट काम है, कोई बड़ा बात नहीं है, बोलना फाइनेंस प्रॉफिट काम है, कंपनी का 100 रुपये मार्केट में देना, उसको 120 रुपये बना के कंपनी का प्रॉफिट में करके देना, टोटल प्रॉफिट काम कंपनी का है, ठीक है। आपका बैक ऑफिस का जॉब वर्क रहेगा, इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि जॉब वर्क के बारे में आप क्या जानती हैं बताइए। जॉब में आपको कस्टमर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, फील्ड ऑफिसर्स आपके पास में फाइल लेके आएंगे, फाइल को देखना है और कस्टमर को फिर कॉल करना है। आप नहीं बताइए, आपको कस्टमर से पूछना है जो फाइल में लिखा है, कितना लोन लिया है, कितना किश्त है, कौन सी गाड़ी ले रहा है, कितने कौन से रंग की ले रहा है, ये आपके पास पूरे फाइल में लिखे रहेंगे। अब आपको सामने वाले को फ़ोन करके पूरा कंप्लीट करना है कि ये फाइनेंस फर्जी फाइनेंस सही है या फर्जी है, क्योंकि बहुत से लोग फर्जी फाइनेंस भी कर देते हैं अपने फील्ड ऑफिसरों, ठीक है। तो आपको कस्टमर से पूछना है, सर आपका नाम क्या है, आप फाइनेंस करा रहे हैं, आप कितने का लोन ले रहे हैं, आप कितने डाउन पेमेंट कर रहे हैं, आप कौन से रंग की कार ले रहे हैं, आपका घर कितना है, आपका किस्त कितना है, ये सब आपको पूछना है, क्योंकि फील्ड ऑफिसर उसको सब कुछ बता दिया होगा कि लाल रंग की कार ले रहा हूँ, मारुति ले रहा हूँ, और महीने का किस्त इतना है, घर ये है, बाप का नाम यही है, ये है, ये सब फील्ड ऑफिसर उसको बता देगा। वो बात आपको पूछना नहीं है, मतलब आपको बताना नहीं है, आप कस्टमर को आपसे पूछना है वो बात कि हाँ वो जेन्युइन आदमी है, ठीक है। जब कस्टमर वेरिफिकेशन कर लिए, और साथ में ये भी देखना है कि ऑडिट भी करना है कि कोई एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं लिया, ये भी फोन जाता है कि आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो कोई डिमांड नहीं किया, मतलब कंपनी का कुछ भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ऑडिट का काम भी रहता है बैक ऑफिस में, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कोई कोई गलत फाइनेंस तो नहीं कर रहा है, फर्जी फाइनेंस तो नहीं कर रहा है, कोई पैसा तो नहीं खा रहा है, ये टोटली काम बैक ऑफिस का रहता है, ठीक है। इसके अलावा आप एक अपना हो गया, आपका फर्स्ट हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट तो आपका फर्स्ट आपको पूछेगा सेल्फ, आप अपने बारे में बताइए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी बात मत बोलना कि मैं एजुकेशन कर रही हूँ, रेगुलर हूँ,
ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं तो बोलना मैं रेगुलर नहीं कर रही हूँ, तो नहीं तो वहाँ पर काट देगा कि आप कॉलेज रेगुलर कर रही हैं या कुछ भी कोर्स रेगुलर कर रही हैं तो आप जॉब कैसे कर पाएंगी, फुल टाइम जॉब तो कर नहीं पाएंगी, या शिरा में हाफ टाइम जॉब होता नहीं है। तो सर मैं ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर ली, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर ली, अब मुझको जॉब करना है, लाइफ में ही जॉब फोकस करना है और लॉन्ग लाइफ जॉब करना है, एक कंपनी में जॉब करना है, श्रीराम फाइनेंस में ही करना है सर मेरे को। मैं बहुत सुनी हूँ श्रीराम फाइनेंस के बारे में, पहली कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, ये आपका सेल्फ इंट्रो और श्रीराम के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, पिछला जॉब मेरे को आपने बताया नहीं क्या है, पिछला जॉब का गैप एज क्या है आपका हिसाब से पूछेगा। ठीक है, गैप अगर बाद बाई चांस दो एक साल का आपका गैप है तो बोलना सर गवर्नमेंट का तैयारी कर रही थी मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, अगर गैप होगा, अगर आपके एज सही है ग्रेजुएशन से अगर 25 साल के अंदर है तो आप फ्रेशर में आप कर सकती हैं। सेकेंड बात, आपका रिज्यूम, आप जो रिज्यूम में लिख रही हैं रिज्यूम की एक एक स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ग्रामर ठीक होना चाहिए, बैक ऑफिस काम है, इंग्लिश का आपको अच्छा, क्योंकि बैक अप, पहला बात रिज्यूम आप खुद बनाइए, छोटा सा बनाइए लेकिन कम बनाइए चलेगा, लेकिन एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, भले हिंदी बना लो चल जाएगा या बंगाली बना लो चल जाएगा। ठीक है, आप कलकत्ता में हैं तो इंग्लिश में लिख रहे हो, एक एक स्पेलिंग, क्योंकि एक भी स्पेलिंग गलत होती है ना वहीं पर काट दिए जाओगे। ठीक है, उसके बाद जो रिज्यूम में लिखा है उसको दो दिन रट लो, आपको वो नहीं जानता, वो आपका रिज्यूम पढ़ेगा, रिज्यूम देखेगा, रिज्यूम से जानेगा कि आप क्या हो। जो रिज्यूम में आपने कुछ और लिख दिया है और आप कुछ और बोल रहे हो तो मैच नहीं करेगा, तो वहाँ भी काट देगा आपको। तो जो रिज्यूम है वो रट लो, वही वही बोलो, प्रॉपर बोलो और फाइनेंस का बात बोलो और डिसेंट होके बोलो। ठीक है, कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं है, एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर लो, बैक ऑफिस के जॉब के बारे में बता दिया, कस्टमर वेरिफिकेशन करना है, पूछेगा क्या क्या जानते हो आपकी बैक ऑफिस जॉब में क्या होता है काम। जी सर, इसमें कस्टमर वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि कस्टमर सही है कि नहीं, लोन फॉल्स लोन तो नहीं जा रहा है, सेल्स ऑफिसर फील्ड ऑफिसर गलत लोन तो नहीं बांट रहा है, पैसा तो नहीं खा रहा है, ये सब ध्यान रखना पड़ता है कंपनी का, एक एक चीज़, कोई कंपनी के लिए कोई घाटा तो नहीं कर रहा है, कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहा है, ये सब काम बैक ऑफिस का, ये सब आप बता देना उनको तो आपको ऑलरेडी जॉब मिल जाएगा। और इतना तो बता दिए तो आपको ऑलरेडी इतना जॉब मिल जाएगा, आपको इतना पूछे पूछ मिलेगा आपको इतना एक्सपीरियंस कैसा है, तो बोलना सर मैं फाइनेंस के बारे में काफ़ी यूट्यूब में सर्च करती रहती हूँ या गूगल में सर्च करती रहती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, मेरा हॉबी है कि मैं फाइनेंस में जॉब करूँ क्योंकि फाइनेंस को जॉब मुझे काफ़ी पसंद है, तो ये बोल देना आप। ठीक है, कोई भी एक्सक्यूज में मत देना कि कहीं कटेगा, आपको मेन चीज़ देना है आप कुछ कोई भी अभी रेगुलर का पढ़ाई नहीं कर रही हैं। ठीक है, आप एकदम खाली है, आप जॉब ही कर सकती हैं, शादी वादी का दिक्कत भी कुछ भी नहीं, कुछ आप एकदम जॉब के लिए मतलब एनी टाइम रेडी हैं, आप जॉब आज से ज्वाइन की तो आप कंटिन्यू जॉब करेंगे, ऐसा नहीं कि कल शादी हो गया तो आपसे मैंने कोई भी रीज़न मत देना सर, सब मैं शादी भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं शादी के दूसरे दिन जॉब में आ जाऊंगी, मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को जॉब ही मेन है, मैं लाइफ का पार्ट है, तो इतना रीज़न मत, कोई भी ऐसा रीज़न मत देना। ठीक है, और इतना काफ़ी है आपके लिए, और आपको और डाउट होगा तो आप मेरे से और पूछ लेना पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, ये फर्स्ट था अपना वीडियो, इतना काफ़ी है आपके लिए बैक ऑफिस के लिए, तो गुड लक, आपको जॉब अवश्य लग जाएगा, बहुत लोग जॉब लगाया हम लोग, 300 प्लस जॉब दे चुके हैं, तो और कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को पर्सनल आप व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।